हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश्वर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर आपकी जो भर्ती है ग्राम पंचायत दोस्तों भर्ती रहने वाली है, और यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के 5 जनरल पंचायत के अंदर दोस्तों आपकी भर्ती रहेगी। ठीक है, यदि आप लोग 10वीं पास है मिनिमम तो आप लोग आपने कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लगने वाली, मतलब ये रहेगा निःशुल्क। ठीक है, आप अपने मोबाइल से कर लें, गूगल लिंक के माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको जो भर्ती रहने वाली ये रहेगी जनरल पंचायत दोस्तों बैरुंदा नरसुल्लागंज की दोस्तों ये निकाली गई है। और यहाँ पे आप जिस ग्राम से आते हैं आपको यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने गांव के नाम आ जाएंगे, आप जिस ग्राम से आते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो मैं ये ग्राम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके पश्चात आपको ग्राम पंचायत का नाम, ठीक है, वो मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके पश्चात आपका गांव का नाम, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, और इसके पश्चात आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी योग्यता आप क्या है 10वीं 12वीं वो आप डालोगे। ठीक है, आपकी एज क्या डालोगे वो डालना पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं वो डालना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, आपको दैनिक भास्कर में पंचायत रिपोर्ट जानकारी कहाँ से मिली तो आप बता सकते हैं दिनेशर आई टी यूट्यूब चैनल से। ठीक है, आप पंचायत क्षेत्र में रहने वाले, आप किसी परिचित जानने वाले का नाम मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अपने गांव के बारे में आपको लिखना पड़ेगा 50-100 शब्दों में जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो लिखें आप। अभी आप क्या काम करना है वो लिखना पड़ेगा, लास्ट में आपको करना पड़ेगा दोस्तों में। ठीक है, तो ये तो रहेगी पहले आपकी। ठीक है ना, आप चलिए अब दूसरे देख ले। तो ये आपकी दूसरी निकाली गई है जनपद पंचायत बुधनी से, ये दोस्तों निकाली गई है बुधनी से। यदि आप लोग आते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा गाँव का नाम। ठीक है, जो भी आप गाँव से आते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें आप। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं जनपद पंचायत दोस्तों। ये तिथि रहेगी आपकी इच्छावर। ठीक है, जनपद पंचायत इच्छावर। और यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके जो गांव है वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी गांव आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते दोस्तों। नेक्स्ट रहेगी आपकी यहाँ पर देखिए आपका आष्टा। ठीक है, यहाँ पे आष्टा जनपद पंचायत में दोस्तों निकाली गई है। और यहाँ पर जैसे क्लिक करो गाँव के नाम तो आपको जो भी गाँव होंगे वो यहाँ पे आष्टा के अंदर वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब नेक्स्ट देख लेते दोस्तों। ये तीसरी आपकी निकाली गई है सीओर से। ठीक है, जनपद पंचायत सीओर से निकाली गई है। यहाँ पर सीओर के जो गांव है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक ठीक है, तो ये आप अब देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि दैनिक भास्कर में ये निकल कर आई है कि दैनिक भास्कर ऐप में पंचायत रिपोर्टर के लिए आवेदन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर गांव की आवाज बुलंद करने के लिए हमें ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो पत्रकारिता में अपना भविष्य देखते हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, अपने आसपास जो गलत हो रहा है उसे बदलना चाहते हैं, जिसकी गांव में अच्छी जान पहचान हो, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए उपयुक्त पा जाते हैं तो आपको हमारी टीम संपर्क करेगी। मतलब आपको जो भर्ती रहेगी वो रहेगी पंचायत रिपोर्टर की रहने वाली है। ठीक है, तो यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो गूगल लिंक के माध्यम आप लोग आवेदन कर दें। इनकी जो लिंक दे देंगे हम वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सामने खुल जाएगा और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी लोग वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो थैंक्स।